दोस्तों, चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको चॉकलेट पसंद होती है। चॉकलेट को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सबसे पसंदीदा स्वादों में से प्रथम स्थान दिया गया है। और क्या आपको पता है कि चॉकलेट खाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी जाके आपको चॉकलेट खाने को मिलती है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो चॉकलेट बनाने का प्रोसेस कोकोआ पेड़ की जंगलों में कटाई से शुरू होता है। कोकोआ ट्रॉफी के एवरग्रीन कोकोआ ट्रीज से आते हैं, जैसे कि थियोब्रोमा कोकोआ, जो पश्चिम अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के निचले इलाकों में उगते हैं। कोकोआ बीन्स कोकोआ पौधे में उगते हैं, जो कोको के पेड़ के टहनी और शाखाओं से निकलते हैं। फल हरे रंग की होने लगती है और पकने पर ऑरेंज हो जाती है। जब फल पक जाती है, हार्वेस्टर कोकोआ के बागान में छुरी से इन फलों को धीरे धीरे पेड़ों से तोड़ देते हैं। इसके बाद कोकोआ फल को बास्केट में स्टोर करने के बाद फल को एक घर में प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां उन्हें अलग किया जाता है और कोको बीन्स को हटा दिया जाता है। ताज़ा कोको बीन्स बिल्कुल ब्राउन कलर के नहीं होते हैं, उनका टेस्ट उस मीठी चॉकलेट की तरह नहीं होता है। इसके बाद बीन्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उन्हें या तो बड़े उथले गर्म ट्रे में रखा जाता है, जो बड़े केले के पत्तों से ढक दिया जाता है। जब वेदर सही होता है तो उन्हें सूरज की रोशनी से गर्म किया जाता है। कर्मचारी समय समय पर आते हैं और उन्हें हिलाते हैं, ताकि सभी बीन्स समान रूप से फर्मेंटेशन हो जाए। फर्मेंटेशन के दौरान बीन्स ब्राउन हो जाती है। इस प्रक्रिया में 5 या 8 दिन का समय लग जाता है। फर्मेंटेशन के बाद कोकोआ के बीज को बोरियों में भरकर चॉकलेट कंपनियों में भेजने से पहले सुखाया जाना चाहिए। किसान सिर्फ फर्मेंटेशन बीजों को ट्रे पर फैलाते हैं और उन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के प्रक्रिया में 1 वीक का समय लग जाता है और बीजों का परिमाण उनके मूल वजन का लगभग आधा होता है। चॉकलेट कंपनी कोकोआ के बीज के साथ जो सबसे पहला काम करते हैं वो है रोस्टिंग। इसके बाद बीन्स के बाहरी छिलकों को हटा दिया जाता है और इनर कोको बीन मास को कोको निब नाम की छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। रोस्टिंग के प्रोसेस कोको के खोल को भंगुर बना देती है और कोको निब छलने की एक सीरीज के माध्यम से गुजरते हैं, जो निब को विनोइंग प्रक्रिया में आकार के अनुसार छानते और छाटते हैं। ग्राइंडिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोको निब को कोको शराब में पीस दिया जाता है, जिसे बिना मिठास वाली चॉकलेट या कोको मास के रूप में भी जाना जाता है। रोस्टिंग की प्रक्रिया गर्मी उत्पन्न करती है और कोको नीब की दानेदार स्थिरता को तरल में बदल दिया जाता है, क्योंकि नीब में मौजूद फैट की उच्च मात्रा पिघल जाती है। कोको शराब को कोकोआ बटर और चीनी के साथ मिलाया जाता है। मिल्क चॉकलेट के मामले में व्यक्तिगत निर्माता के फॉर्मूले और निर्माण विधियों के आधार पर ताज़ा, मीठा, गाढ़ा या रोला ड्राई लो हीट पाउडर पूरा दूध मिलाया जाता है। मिक्स्ड प्रक्रिया के बाद मिश्रण को और रिफाइन किया जाता है, ताकि जोड़े गए दूध और चीनी के कर्ण आकार को वांछित महीनता तक लाया जा सके। कोको पाउडर को अलग अलग मात्रा में बटर और शराब के साथ अलग अलग प्रकार के चॉकलेट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। ब्लेंडिंग पूरा होने के बाद चॉकलेट प्रोसेसिंग के लिए मोल्डिंग अंतिम प्रक्रिया है। ये कदम कोको शराब को मोल्ड के आधार पर अलग अलग साइज में ठंडा और हार्ड करने की अनुमति देता है। अंत में चॉकलेट को पैक किया जाता है और आखिर में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो देखा आपने 1 मिनट में ख़त्म हो जाने वाली चॉकलेट को तैयार करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है।